दोस्तों लोकेश कनगराज के साथ रजनीकांत की आने वाली फिल्म का नाम कुली है, जिसे शुरुआत से स्थायी रूप से थलाइवर 171 कहा जा रहा था और मूवी की टीम ने कुछ दिनों पहले शीर्षक टीजर जारी किया था और इसे कुली नाम दिया गया। टीजर की शुरुआत कई सोने के तस्करों द्वारा बाहर घड़ियों, आभूषण और अन्य वस्तुओं की सूची की जाँच करने से होती है। जल्द ही रजनीकांत उनकी मांद में घुस जाते हैं और सोने की घड़ियों से बनी चेन का उपयोग करके उनकी पिटाई करते हैं। यह शीर्षक पूरे सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों कुछ समय पहले ये अफवाह काफी तेज थी कि रजनीकांत नकारात्मक गुणों वाला एक किरदार निभाएंगे जो संभवतः सोना लूटने वाला गैंगस्टर होगा। अस्थायी रूप से 71 और अब इसे कुली कहा जा रहा है। फिल्म का निर्माण वर्तमान में सन पिक्चर्स के समर्थन से चल रहा है। लोकेश कनगराज के नियमित सहयोगी अनिरुद्ध रविचंद्र को संगीत तैयार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों खबरों के मुताबिक कुली की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन, रणवीर सिंह, पार्वती थिरुवित शामिल है, लेकिन अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। दोस्तों लोकेश कनगराज लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं, जिससे उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अपनी 5 सफल फीचर फिल्मों के साथ निर्देशक का पद तेजी से आगे बढ़ रहा है और आलोचनात्मक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता दोनों प्राप्त कर रहा है। हाल ही में कनगराज को लोकेश कनगराज यूनिवर्स के नाम से जाना जाने वाला ब्रह्मांड के भीतर फिल्में बनाने के लिए मान्यता मिली है। लोकेश ने पहले स्पष्ट किया था कि फिल्म एक स्टैंड अलोन परियोजना होगी और उनके बड़े सिनेमा ब्रह्मांड LCU का हिस्सा नहीं होगी। दोस्तों रजनीकांत के चरित्र और कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई के दृश्य इस प्रकार है। पूरे टीजर को काले और सफेद रंग में शूट किया गया है, जिससे केवल सुनहरा रंग दिखाई दे रहा है। लोकेश ने पोस्टर शेयर करते हुए ट्वीट किया, हम आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि लोकेश कनगराज के साथ रजनीकांत की यह पहली फिल्म है, जिसकी अनाउंसमेंट पिछले साल सितंबर में हो गई थी। बताया जा रहा है कि कुली एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग जून से शुरू होगी और निर्माताओं ने अभी तक अपनी रिलीज योजना को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। दोस्तों 4 दशक पहले बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक विनम्र कुली की भूमिका निभाई थी और अब इसके बाद एक और दिग्गज महान थलाइवर की ऑन स्क्रीन कुली बनने की बारी है। दोस्तों इससे पहले मार्च में निर्देशक ने स्टार कास्ट का काला और सफेद पोस्टर साझा किया था और घोषणा की थी कि शीर्षक का अनावरण 22 अप्रैल को किया जाएगा। पोस्टर में एंथ्रीम स्टार एक खुली गर्दन वाली शर्ट में बदमाश दिखाई दे रहे थे। दोस्तों कनगराज ने यह भी खुलासा किया है कि कुली केती विक्रम और लियो के सम्मान सिनेमा ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग होगी। टीजर के दौरान रजनीकांत के फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है और लोग टीजर पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें से एक ने लिखा, थलाइवर की बात आती है तो अन्य बेहद पागल मोड में आ जाता है। दोस्तों लोकेश कनगराज अपने प्रशंसकों को कभी निराश नहीं करते हैं। सितारों के साथ लोकेश की सभी फिल्मों की तरह टीजर रजनीकांत की कई फिल्मों का कॉल बैक है। रजनीकांत ने उजैयाली 1993, मन्नान 1992, मुल्लुम मलारूम 1978 और अन्य फिल्मों में कुली की भूमिका निभाई। दोस्तों शीर्षक के शीर्ष पर टीजर में एक और इंस्टर अंडा भी दिखाया गया है। पूरे प्रोमो में रजनीकांत को कमल हासन के साथ उनकी फिल्म नीने थल्ले इनिकम 1979 से शिव शंभो नामक एक गाना गाते हुए सुनाया गया है। गाने में ऐसे बोल हैं जो सुखवादी जीवन शैली का जश्न मनाते हैं, जिसे फिल्म में रजनीकांत के चरित्र ने अपनाया था। दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत तमिल फिल्म उद्योग में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। ये बालक चंद्र के साथ अपूर्व रंगंगल मूवी से फिल्मों में एंट्री लेने वाले रजनीकांत अपनी एक्टिंग और प्रदर्शन के लिए उनका लेवल अलग है। दोस्तों रजनीकांत अपनी सुपरस्टार स्थिति के बावजूद वह एक साधारण व्यवहार रखते हैं और अक्सर उनकी सादगी और पहुंच के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। रजनीकांत की लोकप्रियता भौगोलिक सीमाओं से परे है और इसने उन्हें न केवल दक्षिण भारत में बल्कि देश के अन्य हिस्सों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्पित प्रशंसक बना दिया है। हालांकि रजनीकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भले ही रोक दिया गया हो, लेकिन यह सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनके प्रभाव और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। उनके बयान और विचारधाराएं अक्सर आम लोगों को पसंद आती है। दोस्तों रजनीकांत के थलाइवर 171 को लेकर ज्यादा अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि मूवी का मात्र भी टीजर आया है और अभी तो मूवी की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। इस मूवी के लिए तो आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन जब आपका इंतजार खत्म होगा तो आप चौंक जाओगे। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मूवी को डायरेक्ट भी तो कौन कर रहे हैं? लोकेश कनगराज। क्योंकि लोकेश कनगराज की फिल्में मुख्यतः एक्शन जोनर की होती हैं, उन्हें अपनी तुलना जोन वी से की है, जो मुख्य रूप से ऐसी फिल्मों के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं। और इसके बावजूद लोकेश ने फैंटेसी और कॉमेडी जैसी अन्य शैलियों की खोज में रुचि व्यक्त की है। दोस्तों मास्टर विक्रम और लियो में लोकेश के साथ काम करने वाले रत्ना कुमार ने उल्लेख किया कि उनकी फिल्मों में रेट्रो गीतों, यथार्थवादी और जमीनी हिंसा और हाइपरलिंक कथाओं के प्रति उनकी रुचि टारनटिनो के प्रति उनकी प्रशंसा से आती है। सो दोस्तों आप रजनीकांत के कितने बड़े फैन हैं और उनकी इस अपकमिंग फिल्म का आपको कितना इंतजार है, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप उस पार्ट ऊपर आए अपडेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप ऊपर वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें। या अगर आप सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।